नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। तो इसमें बात करेंगे हम कि टर्म वन एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टर्म वन के एग्ज़ाम हुए थे आपके सितंबर 2022 में, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपके लिए एक अपडेट है, जिन्होंने टर्म वन की परीक्षाएँ दी है और नहीं दी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टर्म वन के एग्ज़ाम हुए थे सितंबर 2022 में, ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बिग अपडेट आया है स्कूल एजुकेशन की तरफ से। तो देखिए, आपका जो है टेंथ और ट्वेल्थ क्लास वालों के ही टर्म वन टर्म टू एग्ज़ाम होंगे, नाइन्थ और प्लस वन क्लास के ये कैंसिल कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो न्यूज़ आई है, जो नोटिफिकेशन आई, जो अपडेट आया हमारे पास, उसमें कहा गया है कि जो वंचित छात्र है, यानी कि जिन्होंने टर्म वन की परीक्षाएँ नहीं दी है, उनको मौका दिया जाएगा एक और बारी परीक्षाएँ देने का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है खेल कूद की वजह से, टूर्नामेंट की वजह से, कई बीमार की वजह से, कई जहाँ पर बादल, जैसे कि आपको पता है कि पिछले मंथ बहुत सारे आपदा हुई थी, बारिश हुई थी, जिस कारण से बच्चे परीक्षाएँ नहीं दे सके थे, तो वो बच्चे यानी कि खेल कूद वाले बच्चे जो टूर्नामेंट में गए थे, बाकी जो अन्य जो स्थितियों के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनको देने का मौका है, यानी कि वो अब टर्म वन की परीक्षाएँ दे सकते हैं। अगर आप में से कोई कोई ऐसा है जिसने टर्म वन की एग्ज़ाम नहीं दिए, तो टर्म वन के एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा। जो ये सूची है स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि 22 तारीख से पहले हमारे को एक लिस्ट भेज दीजिए जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो उनके अलग से एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे, बाकी उनका रिजल्ट भी थोड़ा लेट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने किसी ने भी टर्म वन के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, अगर किसी कारण की वजह से आपने टर्म वन का एग्ज़ाम देना छूट गए हैं, तो आप टर्म वन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपने स्कूल टीचर से कंफर्म करना है, वो खुद आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से ये एक अपडेट था जो कि आप लोगों को बताना था, क्योंकि ये अपडेट बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने टर्म वन का एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, खेलकूद की गतिविधियों के कारण, जो कि टूर्नामेंट में गए होंगे, बीमारी के कारण, आदि आपदाएँ के कारण, जैसे कि बहुत सारे जगह पर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, तो कहाँ कई कारण होते हैं कि स्कूल में ना पहुँच सकें, एग्ज़ाम ना दे सकें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको एक और मौका दिया जा रहा है, तो आपने क्या करना, एग्ज़ाम देने हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, ठीक है। तो बाकी जो रिजल्ट की वीडियो, वो अलग वीडियो आएगी कि रिजल्ट कब आएगा आपका टर्म वन का। तो ये जो एग्ज़ाम हुए थे वो सितंबर 2022 में हुए थे। तो इस वीडियो में इतना सही, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना आप दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता लग सके इस अपडेट के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।